खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है, जहां जनपद के श्रीनगर क्षेत्र में नरभक्षी गुलदार के आतंक को देखते हुए वन विभाग की ओर से क्षेत्र में पिंजरे लगाए गए हैं। ग्लास हाउस के समीप बीती 24 मई को एक गुलदार के कैद होने पर वन विभाग ने उसका रेस्क्यू किया, लेकिन बीते रोज शाम ढलने के बाद आसपास ग्लास हाउस के समीप लगे पिंजरे में एक और गुलदार कैद हो गया, जिसको वन विभाग की टीम द्वारा रेस्क्यू कर पौड़ी नागदेव रेंज लाया गया है। गुलदार के कैद होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। वन विभाग पौड़ी नागदेव रेंज के रेंजर ललित मोहन सिंह नेगी ने बताया कि श्रीनगर की क्लास हाउस वाली रोड के पास लगाए गए पिंजरे में कैद हुए गुलदार को पौड़ी नागदेव रेंज लाया गया है, जहां उसका स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के बाद उच्च अधिकारियों के आदेश पर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। ये जब से मतलब जो है श्रीनगर में जो है गुलदार द्वारा बच्चे पे हमला किया गया, तो लगातार हमारी टीम जो है वहाँ पर गश्त पे रही और जो है एक गुलदार तुरंत हम जो है पकड़ के ले आए थे, और इसी के साथ फिर जो है कल रात को भी हम एक गुलदार और पकड़ के ले आए, जिसको रेस्क्यू जो है यहाँ पे किया गया नागदेव रेंज में। इस प्रकार से नागदेव रेंज में अभी हमारे पास दो गुलदार जो है मौजूद हैं। टीएफओ सर के यही निर्देश हैं, जब तक टीम को जो है वहाँ से हटने के निर्देश नहीं दिए जाते तो पूरा मतलब जो है गुलदारों को पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। जब से मतलब दो गुलदार पकड़े हैं तो थोड़ा सा माहौल वहाँ पे काफ़ी शांत है और लोगों का काफ़ी सहयोग मिल रहा है। जब से एक गुलदार पकड़ा है तो जनता काफ़ी सहयोग कर रही है कि मतलब अगर जिस तरफ पिंजरे लगे हैं कि उस तरफ जाने के लिए मना कर रहे हैं, तो वो स्वतः ही मतलब अब अपने आप नहीं जा रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि हाँ मतलब ये प्रयास कर रहे हैं।